प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए आप अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस तीन का होल फोर, एक्स माइनस पांच का होल छह, और ये है आपका लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो बड़ा मजा आएगा, अब आप क्वेश्चंस को करने लगोगे, क्योंकि अब जितने आपने अब तक क्वेश्चंस किए हैं उनको आप बार बार करके देखो, और बार बार करके देखने से क्या होगा, अभ्यास करने से आपको चीजें अपने आत्मसाधीकरण हो जाएगा, आपका एसिमिलेशन हो जाएगा, मतलब उन चीजों को आपको ऐसा लगेगा कि आपको भयंकर तरीके में आता है, जिससे आपको काउंटिंग आती है उस तरीके में। तो देखो आप इसको देखते के साथ सबसे पहला काम आपको ये बना लेना है, आप टाइम भी लगाएंगे क्वेश्चंस को, ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, हो गया माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब अपने मन में बोलो x माइनस टू पावर क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमको केवल प्रारंभिक बिंदु चाहिए। तो क्या करेंगे, x माइनस टू बराबर जीरो, x बराबर क्या आया टू, यहां पर क्या आया x प्लस तीन बराबर जीरो, क्या आएगा माइनस तीन, x माइनस पांच बराबर जीरो, पांच यही होगा। तो देखिएगा माइनस थ्री टू और यहां पे फाइव, कंप्लीट हो गए यहां तक। उसके बाद देखो लेस देन इक्वल टू ये रहा कैसा सर्किल है, डार्क सर्किल है, डार्क सर्किल का मतलब ऐसा सर्किल, ये आपका डार्क सर्किल बन गया, बना दिया डार्क सर्किल। उसके बाद देखो यहां पे प्लस लगाओगे, स्टार्टिंग प्लस से करना है, पांच के ऊपर बोलो क्या है, पांच के ऊपर गिरा, पांच कहां से आया, यहां से आया, इसके ऊपर क्या है समघात है, तो प्लस का क्या रहेगा प्लस, प्लस का क्या रहेगा प्लस, समझ गए, कहा है ना घात सम, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस आया ना तो ये पांच कोई परिवर्तन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अरे भाई माइनस टू का स्क्वायर कर दो तो भी चार ही मिलने वाला है, छह कर दो तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और माइनस टू का पावर छह कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है, इसलिए चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद देखो टू कहां से आया, ये टू कहां से आया, यहां से आया टू, यहां से आया, और इसके पावर क्या है तीन, तीन क्या है विषम, तो चिन्ह में परिवर्तन हुआ, बोलो क्या आ रहा था प्लस, किसमें बदल जाएगा माइनस में, प्लस किसमें बदल गया माइनस में, देखिए प्लस था, ये टू कहां से आया, देखो यहां से आया x माइनस टू बराबर जीरो, तो टू यहां से आया, तो इसकी घात क्या है तीन, तो तीन क्या है विषम, चिन्ह में परिवर्तन होगा, मतलब प्लस है वो किस में बदल जाएगा माइनस में, क्लियर। अब माइनस तीन कहां से आया, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, यहां से माइनस तीन आया, तो माइनस इसके ऊपर की घात क्या है चार, चार क्या है सम, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, कंप्लीट। केवल इतना ध्यान देना है, अगर पावर सम चिन्ह में परिवर्तन नहीं, अगर पावर विषम चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझो कि पांच देखा, देखो यहां तो आपको प्लस हमेशा लगाना है, यहां तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद देखा कि पांच कहां से आया, यहां से आया, पांच की पावर क्या है एक्स माइनस पांच की पावर क्या है छह, छह क्या है सम, सम है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, प्लस था वो प्लस आया, टू कहां से आया, टू कहां से आया, टू आया यहां से, इसकी पावर क्या है विषम, विषम है तो प्लस किसमें चेंज हो गया माइनस में, माइनस तीन कहां से आया यहां से, इसकी पावर क्या है सम, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रह जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू ये रहा, लेस देन इक्वल टू ये रहा, क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो ये आपके आंसर है, ये आंसर नहीं होंगे। तो उसके बाद देखो आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन और माइनस तीन से दो। अब देखो माइनस इंफिनिटी पे लगा दिया, कैसा आएगा माइनस इंफिनिटी पे छोटा ब्रैकेट, भले ही यहां पर ये है तो
तो भी क्या आएगा, छोटा ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी ये ऋणात्मक संख्या है, पर बहुत बड़ी ऋणात्मक संख्या है तो परिभाषित शामिल तो नहीं है ना, पता नहीं कौन सी संख्या है। उसके बाद देखिए माइनस तीन किसमें है, माइनस तीन पे क्या है, डार्क सर्किल है। डार्क सर्किल का मतलब क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट, डार्क सर्किल बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट अगर देखो, इस पे बड़ा ब्रैकेट, इस पे बड़ा ब्रैकेट माइनस तीन पे और टू पे भी क्या है, बड़ा ब्रैकेट। इन दोनों को ऐड करने के लिए यूनियन करते हैं और यही आपका क्या है आंसर। देखो माइनस तीन पे डार्क सर्किल, टू पे डार्क सर्किल, तो देखो डार्क सर्किल पे क्या आता है, बड़ा ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन हो गया, और माइनस तीन से क्या आया, दो। कंप्लीट। तो अब इसके और भी तरीके हैं इसको लिखने के, वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो आप जब समुच्चय पढ़ेंगे, समुच्चय सिद्धांत में आप पढ़ाऊंगा, उस टाइम इन चीजों को और ज्यादा से डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आपने ये क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट,